एक पुजारी था एक मंदिर में, वह पुजारी बहुत ईमानदार, अपने ईश्वर के प्रति श्रद्धा भक्ति समर्पण के साथ हर रोज मंदिर का साफ सफाई करना, मूर्ति की पानी से धुलाई करना, पूजा पाठ करना हर रोज करता था वो, हर रोज। उसकी ज़िंदगी गुजर चुकी थी पूजा करते करते करते, मन हृदय पूजा करते करते उसका बहुत पवित्र हो चुका था, शुद्ध हो चुका था, निर्मल हो चुका था। वो पूरी अपनी चेतना उसी पूजा में, उसी मूर्ति में ही रखता था। एक दिन उसके मन में यह भावना आई कि इतने दिन तक तो मैंने पूजा पाठ किया लेकिन आज तक मैं ईश्वर के सामने कोई प्रस्ताव नहीं रखा हूँ। अगर मैं सच्चा भक्त हूँ, अगर ईश्वर है तो मेरे प्रस्ताव जरूर सुनेंगे, और उसको पूरे विश्वास था कि मैं सच्चा भक्त हूँ। और एक दिन ईश्वर से वो प्रार्थना किया कि हे ईश्वर, आप मेरे सामने प्रकट हों। कहानी है, समझना है इस बात को अच्छे से। एक बार दो बार दिल से कहा तो ईश्वर भी सोचे ये तो मेरा सच्चा भक्त है, मुझे भी प्रकट तो होना ही पड़ेगा। तो उसके सामने प्रकट हुए, उसके बाद यह पुजारी बहुत खुश हुआ ईश्वर को देखकर। ईश्वर ने भी कहा अब भक्त है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, क्यों बुलाया मुझे। तो इसने कहा कि बस मैं आपसे एक ही चीज़ मांगता हूँ। अब वो तो ईश्वर है, कहा कि मैं बस सिर्फ 2 दिन आपकी जगह पर रहना चाहता हूँ, सिर्फ 2 दिन। ये ईश्वर, मैं आपका सच्चा भक्त हूँ, बहुत पूजा पाठ किया हूँ, मुझे ये जानना है, मुझे ये महसूस करना है कि आपका पद कैसा है, मैं जानना चाहता हूँ सिर्फ 2 दिन कैसा लगता है आप जहाँ पर हो वहाँ पर रहकर। ईश्वर ने कहा नहीं 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 नहीं, ये कभी नहीं हो सकता है। उसने कहा कि क्यों, क्योंकि तुम मनुष्य हो, मैं नहीं दे सकता हूं ये। उसने भी कम नहीं था भक्त, आप कैसे नहीं दे सकते हैं, मैं आपका सच्चा भक्त हूं, मैं रो रहा हूं सिर्फ 2 दिन, वो भी भगवान होकर 2 दिन अपने स्थान नहीं दे सकते हैं। ईश्वर मुझे 2 दिन हाथ पैर पकड़ लिया, रोने लग गया, 2 दिन दीजिए। भगवान भी देखेंगे ये तो पकड़ लिया, आप छोड़ नहीं रहा, आप करें क्या, उनको भी छुड़वाना है, कुछ तो उपाय निकलना पड़ेगा। अब ईश्वर भगवान ने वहां कहा कि ठीक है मैं 2 दिन दे दूंगा, 2 दिन दूंगा लेकिन एक शर्त है। तो वो तो तुरंत तैयार हो गया, चाहे कोई भी शर्त हो, 2 दिन भले मिले मुझे, बोला कि बताइए मुझे कोई भी शर्त हो, मैं तैयार हूं, तुरंत इमीडिएट तैयार हो गया। तब भगवान ने कहा कि ठीक है लेकिन संभाल के रहना, शर्त यह है कि मैं अपनी पोजीशन तो दूंगा लेकिन तुम्हें बस वहां पर मेरे पोजीशन पर बैठकर कुछ करना नहीं है, सिर्फ देखना है, करना कुछ नहीं है, सिर्फ देखना है तुम्हें 2 दिन तक, तैयार हो तुम। तो ये तुरंत तैयार हो गया, हाँ मैं कुछ नहीं करूँगा, मुझे बस देखना, यही तो करना है मुझे कि लगता कैसे है। तुरंत तैयार हो गया पुजारी, 2 दिन बैठ के मुझे देखना है। उन्होंने कहा कि तुमने वादा किया है, ध्यान रखना है इस बात। उस मूर्ति से ईश्वर ने अपने आप को उस मंदिर में स्थान दे दिया। तो वो इनविजिबल होकर ऊर्जा रूप से उस मूर्ति में समा गया। अब वो पुजारी वहाँ पर है। थोड़ी देर के बाद होता क्या है, उस मंदिर में एक बिजनेसमैन आता है पूजा करने के लिए, वॉलेट में
ढेर सारे रुपया लेकर आता है और पूजा करता है, मूर्ति के सामने अपना सिर झुकाता है। जैसे ऊपर उठता है जाने के लिए, उसके जेब से वॉलेट गिर जाता है नीचे। वॉलेट समझ रहे हैं ना, पर्स, पर्स नहीं, उसको इंग्लिश में वॉलेट ही कहा जाता है। पर्स तो लड़कियां जो लेती है ना, वो हिंदी में क्या आ जाता है, बटुआ। हाँ, अब वो गिर गया, अब उसको ये होश नहीं है, वो वहाँ से निकल गया। वो निकल गया, तो निकलने के कुछ ही मिनट बाद में एक वहाँ से शिप का कैप्टन आता है, समुद्र में जहाज चलाने वाला कैप्टन वहाँ पे आता है, क्योंकि उसको भी अपना जहाज लेके जाना है। वो आता है, वो भी मंदिर में पूजा करने के लिए, घंटी बजाने के लिए। पूजा करके लेकिन ये यहाँ पे थोड़ी सी है, वो कैप्टन आने से पहले ये बिजनेसमैन तो निकल गया, लेकिन मंदिर के बगल में एक भिखारी बैठा था। आपको पता ही है मंदिरों के सामने भिखारी बैठते ही हैं, तो भिखारी बैठा था, तो उसकी दृष्टि उसकी बटुआ पर चली गई थी। वो तो वहाँ से निकल गया, तो वह धीरे से जाकर भिखारी मंदिर में अंदर जाकर उस बटुआ को लेकर, वॉलेट को लेकर वहाँ से आगे जाकर एक पेड़ के नीचे, पेड़ के पत्ते गिरे हुए थे और पेड़ के पत्ते थोड़ा सा इकट्ठा किया और उसके नीचे छुपा दिया उसने, क्योंकि पास में रहेगा तो फिर ये भी चालाक था कि बाद में आके ढूंढेंगे, मेरे भी गठरी उठरी चेक करेंगे। ये चोर में भिखारी भी बुद्धिमान ही भिखारी था, दूर में जाके उसको छुपा दिया। ये छुपाने के बाद वो कैप्टन आता है मंदिर में भी आशीर्वाद लेने, भगवान का पूजा वजा करके। कैप्टन जैसे ही निकल रहा है वहाँ से मंदिर से, उधर से वो बिजनेसमैन दो पुलिसमैन लेके आ जाता है, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा उसमें पैसा था। दो पुलिस को लेके आ जाता है कि कहीं लोग तो जल्दी मानेंगे नहीं, हम मुझे तो चेक करने देंगे नहीं दूसरे की गठरी या कोई चीज़, पुलिस रहेंगे तो सब चेक करेंगे। इसीलिए वो भी बहुत बुद्धिमान ही बिजनेसमैन था, दो पुलिस के साथ आ गया। अब आ गया, अब आया तो वहाँ पे पूछताछ होने लगी, तो भिखारी तुरंत खड़ा होकर बोला, किसने लिया है, कैप्टन ने लिया है। इस मैंने देखा हूँ कि आपके जाने के तुरंत बाद यही आया है और इसने, मैंने देखा कि ये बटुआ लेकर इसने कहीं गायब कर दिया। अब पता ही है, कानून भी तो अंधा ही होता, उसको तो गवाही चाहिए। उसकी गवाही तो मिल गई, फिलहाल के लिए तो गवाही मिल गई, और जब तक के लिए उसको गवाही मिल गई, सामने जो होता उसको तो पकड़ेंगे ही, हो बाद में क्लेरिफिकेशन देखी जाएगी। तब तक के लिए उस कैप्टन को पकड़ लिया पुलिस ने, वो बोल रहा है कि मैं नहीं लिया हूँ, तो उसको दो थप्पड़ भी मिलती है, चलो उसको मारपीट के ले जाकर बंद कर दिया जेल में। इधर वो पुजारी देख रहा है सारी चीज़ें, भिखारी क्या कर रहा है, इधर छुपाया है, कैप्टन आया इसको फंसा दिया, बिजनेसमैन का पैसा, बेचारा कितना सत्य मार्ग पे है, उसका पैसा इधर चला गया। जब ये सब देखने लग गया कि इसको भी जेल में लेकर कुछ दूर निकल गए जेल में डालने के लिए, वो पुजारी अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने सोचा यही सबसे बड़ा अवसर है कुछ न्याय करने का, दो दिन तो समय मिला ही है लेकिन ये पहला दिन है। अपनी इमोशंस को रोक नहीं पाया वो, अब मैं नहीं रुकूंगा तो बहुत दूर निकल चुका है कैप्टन, मुझे भी दौड़ना ही पड़ेगा, बाद में जो होगा सो देखा जाएगा, ऐसे भी है तो भगवान मना ही लूंगा कुछ करके, लेकिन मैं वादा तोड़कर अब निकलना पड़ेगा, क्योंकि मेरे सामने ये न्याय अन्याय होने नहीं दूंगा। वो फिर मूर्ति से बाहर आ गया और दौड़ते हुए रुको रुको सबको रुकवाया, पुलिस के पास भी गया, बोला कि मैं बताता हूँ सच्चाई क्या है, मैं बताता हूँ सच्चाई क्या है। सब थक बक रह गए वहाँ पर, अरे क्या हो गया, ये कहाँ से आ गया बीच में। तो उसने कहा कि ये निर्दोष है कैप्टन, बिजनेसमैन का पैसा किसने लिया है वो मुझे पता है, चलो वापस मंदिर में। वापस रास्ते से लेकर आया, कहा कि ये जो भिखारी है इसने लिया है,
ये यहाँ से बटुआ लेकर और जाकर पेड़ के नीचे पत्ते के नीचे चुरा कर रखा है, छुपा कर रखा है। सचमुच में पुलिस गया और वहाँ जब ढूंढा वहाँ से निकल गया बटुआ। अब तो भिखारी को थप्पड़ मिला, अब थप्पड़ मिलकर भिखारी को कैप्टन को छोड़ दिया, बिजनेसमैन का पैसा वापस मिल गया, अधिकारी को ले जाकर जेल में डाल दिया। एक दिन बीत गई, उसका पहला दिन ये एक न्याय का काम कम से कम पुजारी वहाँ पे जाकर ये किया, बड़ा धन्य हो गया था, बड़ा खुश हो गया था भिखारी वो पुजारी। उसके बाद उसके ऊपर भी तो वो देख ही रहे हैं कि कर क्या रहा है, वादा तो तोड़ दिया, तो वो भी तुरंत हाजिर हो गए। उन्होंने कहा पुजारी तुमने सब गड़बड़ कर दिया। तो उसने कहा क्या गड़बड़ कर दिया, आपने जो मुझे स्थान दिया था वहाँ पे मेरे आंखों के सामने अन्याय हो रहा था, उसमें मैं न्याय किया, पूरी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे हो रहा था, भिखारी ने चुराया था, उसने छिपाया था, निर्दोष कैप्टन को फंसा दिया गया था, मुझसे सहा नहीं गया, मैं आ गया और मैं अन्याय की जगह में न्याय कर दिया, ईश्वर का भी तो यही काम है। तो ईश्वर ने कहा इसलिए मैं तुम्हें नहीं दे रहा था कि इंसानों के अंदर इमोशन है, और जब इमोशंस आ जाती है तो इमोशन के भाव में वो कभी भी न्याय नहीं कर सकता है, उसकी इमोशंस ही उसकी आंखें बन जाती है और अपने भावनाओं में बहकर वह तुरंत वादा को तोड़ देता है। तुमने भी वादा तोड़ दिया और तुमने सब गड़बड़ कर दिया। उसने कहा गड़बड़ क्या किया, मैं तो सब अच्छे ही किया। तुम सब सत्यानाश कर दिया, उसने कहा एक दिन मैंने थोड़ी देर के लिए तुम्हें दो दिन वादा करके पहले ही दिन जब तुम्हें मिला हुआ स्थान थोड़ी देर में ही तुम्हें पता है तुमने क्या किया, सुनो मुझसे कि तुमने क्या किया। वो जो बिजनेसमैन था वो बेईमान बिजनेसमैन था, दूसरे के जेब का पैसा मारने वाला था, वो धोखादार बिजनेसमैन था, छल कपटी से पैसा कमाता है और पैसा कमाकर अपना जेब भर लिया था। ये मेरा ही प्लान था कि वो आए पैसा गिरे। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से वह भिखारी जेल में है। इतना ही नहीं, वो भिखारी के दो बच्चे दो दिन से भूखे थे और तड़प रहे थे। ये मेरा प्लान था कि उसकी वॉलेट गिरे, भिखारी को पैसा मिले और उस पैसे से उस बच्चे को खाने के लिए कुछ मिले और वो जीवित रह जाए। वो जेल में चला गया, ये दो बच्चे तड़प तड़प कर पापा पापा कहकर मर गए, दोनों मर गए रात को ये तुम्हारे वजह से। और वह कैप्टन बहुत ईमानदार कैप्टन था, नई शादी हुई है, 6 महीने का बच्चा है और उसका कोई नहीं है और समुद्र में सुनामी आने वाली है और वह समुद्र में जाकर मर गया। ये सब तुम्हारे वजह से, वह समुद्र में जाके मर गया ये तुम्हारे वजह से, ये पूरी मेरी प्लानिंग थी, लेकिन तुम मनुष्य नहीं समझ पाओगे इसीलिए मैं नहीं दे रहा था, तुम अपने भावनाओं में आकर तुम सब कुछ गड़बड़ कर दिया। तो इसीलिए कहा जाता है कि ईश्वर भावनाओं में नहीं बहते हैं और आपके जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती है उसके पीछे कुछ ना कुछ एक कहानी छुपी हुई रहती है, कुछ ना कुछ अच्छाई छुपी हुई रहती है। वो घटनाएं आपके पक्ष में ही घटित हो रही होती है लेकिन आप अपने भावनाओं में इतने बह जाते हैं समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए
जो कुछ भी जीवन में मिला है, हो रहा है, यहाँ तक पहुँचना, वट एवर, इसका श्रेय हमेशा ईश्वर को, प्रकृति को देना चाहिए। चाहे कुछ डूब गया हो, चाहे कुछ मिला हो। आध्यात्मिक पूरी तरह से मेरी यात्रा स्टार्ट होने से पहले मेरे अंदर कुछ ऐसी संस्कार थी। हमने भी बहुत गरीब घर से ही आए, लेकिन बाद में सिचुएशन जब खुद अपने पैरों पे कमाना धमाना किया तो ठीक हुई, अपने प्रोफेशन में जब आया। तो उसमें एक बार क्या हुआ कि मैं एक किताब लिख रहा था, अवेकन योर जीनियस शुद्दीन बोलकर। तो मैं गुवाहाटी आया हुआ था, गुवाहाटी से वापस ट्रेन में जा रहा था और एक नई लेनोवो कंपनी के लैपटॉप खरीदा हुआ था, उसमें मेरी पीडीएफ और मेहनत की फाइल थी। वापस जब आया दिमापुर तो मैं ट्रेन में जर्नी करने की उतनी मेरी आदत भी इतनी नहीं थी कि उसमें चोर और भी आते हैं, इधर उधर कुछ गायब भी कर लेते हैं। तो मेरी शायद झपकी लग गई, मेरे लैपटॉप के बैग गायब। आंखें खोल रहा हूँ, लैपटॉप के बैग नहीं, पास में जो है सबका बैग चेक कर रहा हूँ, नहीं है। आगे जाके जो उतर रहे हैं उधर भी जिसका तिसका बैग चेक करो किसके अंदर है, अब वो अपना बैग भी चेक करने नहीं दे रहे हैं, कोई जिसका नहीं है उसको छोड़ दे रहा हूँ। उसमें भी एक फौजी था, वो उतर रहा था, तो उसके पीछे जैसे पकड़ा तो उसमें मुझे एक लैपटॉप दिखा, तो मुझे लगा ये मेरा ही लैपटॉप है। तो वो भी बोला ये मेरा है, तो मैं भी मान नहीं रहा हूँ। तो मैं उस वक्त जोश में उसके छीन लिया उससे बैग, खोल के देखा चैन तो मेरा नहीं है, सॉरी बोलकर कहकर मैं दे दिया उसको, लेकिन वो लैपटॉप गायब हो गया, चलो चला गया। मैं भी नीचे उतर गया तो मेरे पास में जो इंसान बैठा था, मैं सोच मुझे लगा कि वही लेकर गया होगा, उसको ढूंढने लगा। उसको ढूंढने में ट्रेन भी इधर सिग्नल देकर निकलना स्टार्ट हो गई। कुछ मेरे सामान खरीदी हुई थी, कुछ बुक्स, कुछ डिक्शनरीज थी, और जहाँ पे मैं बैठा था उसके नीचे, ये भी मेरी बोगी भी आगे निकल गई। अब मैं दौड़ दौड़ कर दूसरे के बोगी में ही चढ़ गया स्लीपर क्लास में। उसमें सीट नहीं, रात को 12 बज रहा है, बारिश भी हो रही है, तो टॉयलेट के सामने थोड़ा सा जो जगह रहा था वहीं पर खड़ा होकर बस वो जर्नी को मैंने अगले 4 से 5 घंटा जर्नी पूरी की। बाद में सोचा कि उतर के जाके जो बचा है वो संभाल लूँगा, लेकिन मेरे अंदर में जिसने चोरी किया उसके लिए यही भावना आ रहा था कि चलो जो लैपटॉप है जिसने भी लेकर गया कम से कम उसके तो काम में आ जाएगा, उसको चलाने नहीं आता तो बेचेगा तो 10-15-20 हज़ार तो मिल जाएगा, उसे वो खाएगा नहीं तो अपने बीवी बच्चे को तो खिलाएगा, किसी के तो काम में आ गया ना। जब मेरी मम्मी को यह बात कहा तो मेरी मम्मी के तो मुख से थोड़ी साफ शब्द ही निकला कि जिसने ऐसा किया उसका भी कुछ ऐसा होगा, ऐसे ही होता है ना मम्मियों का बात, मेरे बेटे के साथ ऐसा किया था ऐसा भी। मैंने बोला मम्मी कितनी अच्छी बात है कि किसी के काम में आ गया, हमारी कोई भी चीज़ किसी के काम में आ जाए इसे बड़ा और क्या हो सकता है, ऐसे भी तो हमारा नहीं है। अब नहीं था मेरा, उसी का था, वो लेकर चला गया वहाँ पर, क्योंकि मुझे इतनी समझ आ चुकी थी कि मेरी जो चीज़ है जो मिलनी है वो तो हर हाल में मेरी है और मिलकर ही रहेगी, जो मेरी नहीं है हर हाल में मेरे पास नहीं रहेगा, वो तो लेके ही चले जाएगा। जो आपका है, जो आपके प्रारब्ध में है, उसको कोई नहीं छीन सकता है, और जो नहीं है उसको सिंपल साधारण व्यक्ति भी कलर पकड़ के छीन सकता है आपसे, उसका है ही नहीं। तो है ही नहीं, तो सब चीजें हैं ध्यान में रखना है, ठीक है।